कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं आज लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायत भी दी गई है, जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किराने की दुकानें, कृषि संबंधित दुकानें और आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलेंगी। दुकानें खुलने के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उधर व्यापारियों ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। आज व्यापार महासंघ शमशाबाद ने मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 3 दिन के लिए सिर्फ किराना और मिष्ठान भंडार और सब्जी वालों को छूट दिए। हमारा कहना है कि 3 दिन दें, लेकिन समस्त व्यापारी शमशाबाद के सारे कपड़े हों, सोना चांदी हो, मोबाइल हो, जो भी है, मतलब मशीनरी हो, सबको एक साथ छूट दी जाए और एक समय फिक्स किया जाए। अभी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में कई जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है। अपने विदिशा जिले में भी कलेक्टर महोदय ने नगरी क्षेत्र में और अपने तहसील में वर्धा में लॉकडाउन लागू किया है। तो जो अभी आज नए निर्देश आए हैं, इसके अंतर्गत कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। तो व्यापारी बंधुओं ने ज्ञापन दिया है, इनका कहना है कि सभी प्रकार की दुकानें खुलने का वो आदेश किया जाए, भले ही एक समय